तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एलविस यादव के बारे में। तो क्या गाइस, एलविस यादव ने अपने आज वाले स्टोरी में फाइनली कीर्ति मेहरा को इन्होंने इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई कर दिए हैं। तो एलविस यादव ने गाइस अपने आज वाले स्टोरी में गाने को शेयर किए, जिस गाने का गाइस लिरिक्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इस गाने को गाइस एलविस यादव ने अपने आज वाले स्टोरी में फुल्ली गॉन राइट भी बताई है, जिसको लेकर गाइस काफी सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि एलविस यादव ने इनडायरेक्ट वे में कीर्ति मेहरा को फाइनली रिप्लाई किए हैं। बाकी आप लोगों को गाइस इस गाने के लिरिक्स को देखकर क्या लगता है कि यहाँ पर एलविस यादव ने क्या इनडायरेक्ट वे में इन्होंने कीर्ति मेहरा को ही रिप्लाई किया है, आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए गाइस, अब एलविस यादव की बात हो ही गई तो बात कर लेते हैं एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव ने गाइस अपने आज वाले ब्लॉग वीडियो में अभिनव अरोड़ा को लेकर बात की है। जी हां गाइस, अभी आप लोगों को पता होगा कि ट्रेंडिंग में अभिनव अरोड़ा काफी टाइम से बने हुए, तो इसके बारे में गाइस यहां पर एलविस यादव ने फुल्ली बात की है। क्या बोले आप लोग इस वीडियो क्लिप में, सबसे पहले देखिए। ही इज सपोर्टिंग आवर रिलीजन, ही इज शोइंग आवर रिलीजन इन अ गुड वे, और गौ माता की सेवा करनी हो गई या फिर जो भी रील्स मैंने देखी, ठीक है, इट्स गुड, बट उसको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वो ये सब कर सकता है, मतलब अपने घर में जोत बाल सकता है, घर में पूजा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, सब रिलीजियस होते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा है हमारे आगे कि ही गॉट सम पावर्स, ही गॉट सम कनेक्शन विद द गॉड, ही इज वेरी रिलीजियस, जो कि मुझे लगता नहीं कि असलियत में वो उतना होगा, और अगर हो भी तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको इस टाइम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने करियर सेट करने पे, और रिलीजियस भी हो सकता है साइड बाय साइड, बट नॉट इतना कि पूरी जिंदगी अपनी उसी में डाल दी, क्योंकि इतना छोटे बच्चे की लाइफ आप उससे छीन रहे हो, उसका बचपन है, उसका स्कूल लाइफ है, उसकी आगे चढ़ के कॉलेज लाइफ है, तो वो चीजें उससे छीनी जा रही है। देखो मेरे, तो फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर एलविस यादव को लेकर, अभिनव अरोड़ा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे, आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।